कार्यक्रम रेनबो रिवाइंड माया के साथ सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार। चांद अकेला चांद अकेला जाए सखी रे, चांद अकेला जाए सखी रे, काहे अकेला जाए सखी रे। मन मोरा घबराए रे सखी रे, सखी रे ओ सखी रे, चांद अकेला जाए सखी रे, काहे चांद अकेला। दोस्तों, रेनबो रिवाइंड में हमेशा बातें होती हैं कुछ ऐसी फिल्मों की जो 80 के दशक से पहले की फिल्में हैं, और आप तो जानते ही हैं जो गोल्डन ईरा है वो हमारे श्रोताओं को और हमें भी कितना प्रिय है। इस गोल्डन ईरा ने कितना कुछ दिया है, हम ये कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मी जगत की एक जो नींव रखने का काम है वो इस गोल्डन ईरा ने रखा। धीरे धीरे वक्त बदलता गया, वक्त आगे बढ़ता गया, लोगों की चॉइसेस, लोगों की पसंद, लोगों का देखने का नज़रिया, सोचने का तरीका बदलता रहा और उसका असर फिल्मों पर होता रहा। और आप तो जानते ही हैं आजकल हम 1970 से हमने शुरुआत की है और आगे आगे बढ़ते बढ़ते आज हम 1977 तक पहुंचे हैं। तो एक हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं इन फिल्मों को लेकर एक बार फिर से
उन यादों को ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जो सुपर डुपर हिट फिल्में हैं उस साल की, उसके बारे में बात कर रहे हैं और आज 1977 साल की बात करेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इतने सालों का हमने जब पुनरावलोकन किया तो एक बात समझ में ज़रूर आई कि चेंजेस भले ही बहुत सारे हुए हैं लेकिन वो जो एक आत्मा रही है फिल्मों की वो वैसी की वैसी ही रही। भले ही टेस्ट बदलती रही, लोगों का देखने का नज़रिया जैसे मैंने कहा वो बदलता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्मों को देखने का लोगों का जो नज़रिया है वो वैसे का वैसा ही है आज भी। और यही वो खास बात है जिसने फिल्मों को आज भी सरताज बनाकर बैठा है। बहरहाल आज भी हम बात करेंगे फिल्मों की, सुपर डुपर हिट फिल्मों की, और जैसा मैंने कहा 1977 की खास फिल्मों की बात। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांधा।
चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 1977 की सुपर डुपर हिट फिल्मों की बात करने की। 1977 की सुपर डुपर हिट फिल्मों की लिस्ट में पहला जो नाम आता है उस फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी का। मनमोहन देसाई स्टाइल ये मसाला जो फिल्म है ये लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला पर आधारित है। आपको अगर याद होगा पिछले कार्यक्रम में हमने ये कहा था कि ये जो लॉस्ट एंड फाउंड जो फॉर्मूला है ये जब से शुरू हुआ तब से लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और फिर इसमें नए नए तरीके नए नए फॉर्मूलाज भी इसमें नए नए अपने अपने तरीके से लोगों ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने अपने अपने तरीके से इसमें तड़का लगाने की कोशिश की। और जब लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला की बात चलती है मनमोहन देसाई की बात चलती है उनकी मसाला फिल्मों की जब बात चलती हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का काम करते रहते हैं। इस फिल्म में उन्होंने सर्वधर्म समभाव वाला जो संदेश दिया वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मनमोहन देसाई की स्वतंत्र रूप से प्रोड्यूस की गई ये पहली ही फिल्म थी जिसे 27 मई 1977 को प्रदर्शित किया गया। लक्ष्मी प्यारे के संगीत निर्देशन में सारे ही गीत हिट रहे। बेस्ट एक्टर अमिताभ बच्चन, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मी प्यारे, बेस्ट एडिटर कमलाकर कारखानेस, इन तीनों श्रेणियों में इस फिल्म के लिए ये सारे अवार्ड्स मिले। अमर अकबर एंथोनी ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इतने हिट रहे कि आज जैसे हम देखते हैं ना कि छोटा भीम स्पाइडरमैन के रबर्स मिलते हैं स्टिकर्स मिलते हैं उस वक्त अमर अकबर एंथोनी के रबर्स स्टिकर्स मिला करते थे। उन्होंने जिन लॉकेट्स पहने थे जिस प्रकार के कपड़े पहने थे उसका बड़ा चलन पड़ा था। तो कह सकते हैं कि ये जो चलन जब पड़ता है किसी फिल्म की वजह से उनके कैरेक्टर्स की वजह से तो ये बात तो तय है कि फिल्म सुपर डुपर हिट है। और तो और इस फिल्म के तमिल तेलुगु मलयालम इन सारी भाषाओं में रीमेक भी हुए। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा किसी हसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है 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 पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को भे पर्दा ना कर दूंगा पर्दा
पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा है, पर्दे के पीछे ये पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। मैं देखता ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महे जबीनों का। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से अदा से या बहाने से, जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा, तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं। हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो 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 अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। खुदा का शुक्र है चेहरा नजर तो आया है, हया का रंग निगाहों पे फिर भी छाया है। किसी की जान जाती है, किसी को शर्म शर्म आती है। किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है, कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलबर, हाँ यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, मशहूर है इनका। खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा न कर दूं, हाँ मैं तेरे गुस्से को ठंडा न कर दूं। हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो 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 अकबर में पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है।
सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कब से बुला रही है बुढ़ी के चक्कर में तू, कैकू 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 परेला। वाह वसल वाह, भाई क्या शेर मारा है। वाह वाह बनो गरीबी दूर करो, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो।
नाचेंगे सब मिलके जीजा हो या साला दोस्तों। आज रेनबो रिवाइंड कार्यक्रम में 1977 यानी 1977 की कुछ सुपर डुपर हिट फिल्मों की बात हो रही है। दूसरी पायदान पर जो फिल्म रही वो रही धर्मवीर, जो प्रदर्शित हुई थी 6 सितंबर 1977 को। एक बार फिर से मनमोहन देसाई स्टाइल एक्शन पैक मनोरंजन से भरपूर ये मसाला फिल्म थी। कहते हैं कि इमरजेंसी का जो दौर था वो थोड़ा लंबा चला था और उसकी वजह से जो बहुत सारी फिल्में थी वो प्रदर्शित नहीं हो पाई थी, और इसी में मनमोहन देसाई की भी 3-4 फिल्में थी और ये लाइन से मतलब रेडी थी लेकिन प्रदर्शन के लिए रुकी हुई थी। तो इसमें मनमोहन देसाई की जो 4 फिल्में थी जो बाद में हिट हुई वो है परवरिश, चाचा भतीजा, अमर अकबर एंथनी और धर्मवीर। चारों की ही अगर हम बात करें तो चारों का ही कर्म धर्म संयोग से लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला रहा। थोड़ा अलग अलग अंदाज में मनमोहन देसाई ने इसे पेश किया है और कहानी में थोड़ा बहुत फ़र्क यहाँ वहाँ ज़रूर होगा, लेकिन ये सारी जो फिल्में हैं 1977 की हिट फिल्में रही। लक्ष्मी प्यारे के बेहतरीन संगीत निर्देशन में धर्मवीर में धर्म की भूमिका में धर्मेंद्र नजर आए, वीर की भूमिका में जितेंद्र नजर आए। ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आई। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूट कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूट कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। चाहत मेरा चैन चुराएगी, तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद आएगी, मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। तौबा तौबा फिर क्या होगा,
के याद मेरी दिल तेरा तड़पाएगी, तेरे जाते ही तेरे आने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा ज्ञान। क्या होगा तेरी मस्त जवानी का, आशिक हूँ मैं तेरे दिल में रहता हूँ, अपनी नहीं मैं तेरे दिल की कहता हूँ। तौबा तौबा फिर क्या होगा के बाद में तू एक रोज पछताएगी, ये रुत प्यार की जुदाई में ही गुजर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा ज्ञान। धड़काया है माना अपनी जगह पे तू भी कातिल है, पर यारों से तेरा बचना मुश्किल है। तौबा तौबा फिर क्या होगा के प्यार में नजर जब भी टकराएगी, तड़पती हुई मेरी जान तू नजर आएगी। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा ज्ञान। ग्यारह बजकर 35 मिनट हो रहे हैं दोस्तों, रेनबो रिवाइंड आप माया के साथ सुन रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम 1977 की कुछ सुपर डुपर हिट फिल्मों की बात कर रहे हैं। अगली पायदान पर चलते हैं दोस्तों। उभरते 70 के दशक के मसाला फिल्मों का एक विशेष ही बोलबाला ज़रूर रहा है। तीसरे नंबर पर जो 1977 में फिल्म रही वो थी नासिर हुसैन की फिल्म और उनकी अपनी विशेषताओं से भरपूर फिल्म हम किसी से कम नहीं, जो प्रदर्शित हुई थी 25 अगस्त 1977 को। 25 करोड़ के जो हीरे हैं वो अफ्रीका से दिल्ली तक
कैसे पहुंचते हैं, ये जो एक रोमांचक सफ़र है ना, वो इस फिल्म में देखने को मिलता है। और ख़ासकर ऐसी जो फिल्में हैं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। इस फिल्म में ऋषि कपूर, तारिक खान, काजल किरण, अमजद खान, जीनत अमान जिनका गेस्ट अपियरेंस था, अजीत खान, ओम शिवपुरी जैसे स्टार कास्ट की बेहतरीन अदाकारी देखने को मिली, आर डी बर्मन का मनमोहन संगीत इस फिल्म को कुछ और ही निखारता हुआ नजर आया। क्या हुआ तेरा वादा ये जो गाना है, इस गाने के लिए रफ़ी साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, मुनीर खान को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया और शांति दास को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड इस फिल्म के लिए प्राप्त हुआ। कसम वो इरादा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ कसम वो इरादा नशा दौलत का ऐसा भी क्या के तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा
वादा वो कसम। और अब एक विशेष सूचना। आकाशवाणी मुंबई द्वारा हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, टेनिस और वॉलीबॉल खेलों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित कर रही है। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन हमारे ईमेल आईडी airmumbai2022@gmail.com पर भेजें। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2024 है। कृपया आवेदन में भाषा और खेल का उल्लेख अवश्य करें। निवेदन समाप्त हुआ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले। जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है। जिंदगी
साथ करीब आ जाओ। जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ। दूर रह कर ना करो बात करीब आ जाओ। आकाशवाणी FM रेनबो 11:47 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं रेनबो रिवाइंड। और आज के इस कार्यक्रम में 1977 की सुपर डुपर हिट फिल्मों की बात हो रही है। लीजिए जनाब, जिसके लिए हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मनमोहन देसाई के सुपर डुपर हिट फॉर्मूला के बारे में, उनकी सुपर डुपर हिट फिल्मों के बारे में। तो जो लगातार 4 फिल्में उन्होंने एक साल में दी थी, उसी में से एक फिल्म है पांचवे पायदान पर, मनमोहन देसाई की एक और मसाला फिल्म परवरिश। ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी 27 अक्टूबर 1977 को। शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, नीतू सिंह, शबाना आजमी, कादर खान, अमजद खान जैसी बढ़िया स्टार कास्ट, एक बार फिर से लक्ष्मी प्यारे का मनभावन संगीत जिसने चार चांद लगाया फिल्म को, और वही हिट वाला फॉर्मूला, लॉस्ट एंड फाउंड वाला फॉर्मूला। फिर क्या है, फिल्म तो हिट बननी ही थी, और साथ ही साथ लोगों को अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को एक साथ देखना सिल्वर स्क्रीन पर अच्छा भी लगता था। तो ये जो फिल्म है वो सुपर डुपर हिट रही। I'm not afraid to die।
नहीं, या तो हम नहीं, या तो तुम नहीं, या तो हम नहीं, या तो तुम नहीं, तुम नहीं, या तो हम नहीं, हम नहीं, या तो तुम नहीं, या तो हम नहीं, या तो तुम नहीं, या तो हम नहीं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर, 8700001-4242। बिरहा जिया तड़पा।
बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नई एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूँ कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। म्यूजिक अलिया, आकाशवाणी एफएम रेनबो, आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज, म्यूजिकली योर्स। 107.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी इस वक्त ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मध्य रात्रि के 12 बज रहे हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो रिवाइंड माया के साथ। एक बार फिर से सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता बहलाता हूँ आपके अनुरोध पे। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है, मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है, बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है, दूर कहीं कोई दर्पण टूटे तड़प के मैं रह जाता हूँ आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। जिसकी करता हूँ तारीफ मैं जिसकी करता हूँ, क्या रूप है वो क्या खुशबू है, कुछ बात नहीं ऐसी कोई, ये एक सुरों का जादू है, कोयल की एक कूक से सबके मन में भूख उठाता हूँ आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। जो
जंजीरें कैसे बनती है ये भेद बता दूं गीतों में तस्वीरें कैसे बनती है सुंदर होठों की लाली से मैं रंग रूप चुराता हूँ आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ मैं ये गीत सुनाता हूँ अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ आपके अनुरोध पे दोस्तों आज रेनबो रिवाइंड कार्यक्रम में बातें हो रही हैं 1977 की कुछ खास चुनिंदा ऐसी सुपर डुपर हिट फिल्मों की जिन्होंने 1977 साल को अपने ही नाम कर दिया था। बहुत सारी फिल्मों की हमने बात की आज तक। हमने ये भी देखा कि मनमोहन देसाई की जी की जो फिल्में थी वो लगातार हिट पे हिट जा रही थी और उनका जो एक लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला वाला अपना जो होल था वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। आगे भी ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी और 1977 की ही बात करें तो उस साल में भी ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी और वो हिट भी रही। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज मंगलवार है
12:10 से भोर के 5:30 तक तांत्रिक रखरखाव के कारण हमारा मुख्य प्रसारण बंद रहता है, लेकिन इस दौरान आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एयर ऐप और डीटीएच प्रसारण सेवा पर सुन सकते हैं। तो वक्त हो रहा है मुख्य प्रसारण समाप्ति का। शुभरात्रि, जय हिंद। मध्यरात्रि के 12:10 हो रहे हैं। माया के साथ आप सुन रहे हैं रेनबो रिवाइंड। डीटीएच प्रसारण सेवा पे आपका स्वागत है। मध्यरात्रि के 12:13 हो रहे हैं और रेनबो रिवाइंड आप माया के साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी की डीटीएच प्रसारण सेवा पर। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बातें हो रही हैं 1977 यानी 1977 की कुछ चुनिंदा सुपर डुपर हिट फिल्मों की। और इस पायदान में अब अगली जो फिल्म आती है वो है खून पसीना।
हमने आपसे कहा था कि लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला पर बहुत सारी फिल्में बन रही थी और हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर अपनी तरह से इस पर हाथ आजमाने की कोशिश कर रहा था और ये भी कुछ ऐसी ही फिल्म हम कह सकते हैं। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की ये फिल्म, लोगों को दोनों को एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से अमिताभ रेखा की सुपर डुपर हिट जोड़ी आया है, क्या कहने। बाबू बेहरा का डायरेक्शन प्रोडक्शन, कल्याण जी आनंद जी का बेहतरीन संगीत और लोगों को इसी वजह से फिल्म बहुत अच्छी लगी। फिल्म सुपर डुपर हिट रही, बाद में इसे तमिल में और तेलुगु में भी बनाया गया। हाँ तो बांगड़ुओं शुरू हो जाओ और सुर लगाओ। अरे गधों, सुर में रेको, सुर में हटको मत, हटको मत। जब दूल्हे राजा आएंगे तो लोगे तुम बलाए, लोगे तुम बलाए। अरे नालायकों हम नहीं तुम, अरे नालायकों हम नहीं तुम। तुम लेके बलाए फिर देंगे। अरे देंगे दुआए, देंगे दुआए। शाबाश, तो बनी रहे जोड़ी, क्या बनी रहे जोड़ी, राजा रानी की जोड़ी रे। बनी रहे जोड़ी राजा रानी की जोड़ी रे, प्यारी प्यारी जोड़ी सोनी सोनी की जोड़ी रे। प्यारी प्यारी जोड़ी सोनी सोनी नजर लगाए ना ये, नजर लगाए ना ये, नजर लगाए ना ये, दुनिया निगोड़ी रे। बनी रहे जोड़ी राजा रानी जोड़ी रे, बनी रहे जोड़ी राजा रानी की जोड़ी रे। धज के आए हैं कैसे बराती, कैसे बराती, बारात ऐसी नहीं रोज आती, आती नहीं आती। सूरत पर क्या रौनक आई, मुखड़ों पर है लाली छाई, रौनक आई लाली छाई, और आंखों में सुर्खी लहराई। फूले नहीं समाते भाई, फूले नहीं समाते भाई। यारों की जितनी भी, यारों की जितनी भी खातिर हो थोड़ी रे, बनी रहे जोड़ी राजा रानी की जोड़ी रे, बनी रहे जोड़ी राजा रानी की जोड़ी रे। तेरा जीजा तू दूल्हे का साला, तू दूल्हे का साला, जमान नहीं तू दे, हाँ दूल्हे का साला। बुरी नजर डालोगे तो होगा मुंह काला, होगा मुंह काला। बन के दुश्मन जो भी आए, अपने हाथ पाँव तुड़वाए, अपने हाथ पाँव तुड़वाए। जालिम ऐसी मुंह की खाए, फिर वो सर ना कभी उठाए, फिर वो सर ना कभी उठाए। सर मेरा फोड़ा हाँ, सर मेरा फोड़ा, कमर मेरी थोड़ी रे, बनी रहे थोड़ी राजा रानी थोड़ी रे, बनी रहे थोड़ी राजा रानी की जोड़ी रे। Thank you.
होके घोड़े पे सवार, लिए हाथ में तलवार, सर पे सेहरा सवार, देखो आ गए, आ गए, आ गए। उठे फिर ना तलवार, पड़े फिर से ना मार, करो इनका सत्कार, देखो आ गए, देखो आ गए, आ गए। करो स्वागत सत्कार, पढ़ो पाओ बार बार, लाओ फूलों के हार, हलो आरती उतार, हलो आरती उतार, हलो आरती उतार। बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर, 870-001-4242। कुछ आज पाना तो है, हिसाब अपने दिल का चुकाना तो है, नजर तुमसे आज मिलाना तो है, बड़ी दूर से, हाँ बड़ी दूर से, हाँ बड़ी दूर से चल कर आए हैं तुम्हें जल। नहीं आ तो
12:29 हो रहे हैं और रेनबो रिवाइंड आप माया के साथ सुन रहे हैं। 1977 की सुपर डुपर हिट फिल्मों की बात करते हैं तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आते हैं फिल्म अपनापन तक। ये फिल्म रिलीज हुई थी 28 दिसंबर 1977 को। जितेंद्र, रीना रॉय, सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार की बेहतरीन अदाकारी, जे ओम प्रकाश का डायरेक्शन और किशोर साहू की ये बहुत ही सुंदर सी कथा थी।
अपने पन के ताने बानों से बुना हुआ एक महीन सा रिश्ता, और एक औरत जब अपने स्वार्थ के लिए इस रिश्ते को ठुकरा कर कैसे अपने बेटे को, छोटे से बेटे को और अपने पति को छोड़कर, अपनी बसी बसाई घर गृहस्थी छोड़कर निकल जाती हैं, और फिर जब उसे पता चलता है कि किसी और ने आकर उसकी गृहस्थी को बड़े सुंदर रूप से संभाला है, तब उसकी एक बार फिर से इच्छा होती है कि वो जाएं और अपने बेटे को एक बार फिर से संभालें, अपने पति पर एक बार फिर से अपना हक जमाएं, अपनी गृहस्थी फिर से एक बार संभालें। लेकिन ऐसा होता नहीं, उसे अपनाया नहीं जाता। अपनेपन की ये भावना कैसे वक्त रहते बदलती हैं, इसका बहुत सुंदर सा चित्रण इस फिल्म में किया गया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बहुत ही खूबसूरत संगीत निर्देशन में। जो गीत इस फिल्म में बने थे वो सारे ही हिट रहे, खासकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत। मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में याद छोड़ जाता है। मुसाफिर है।
क्या साथ लाए क्या तोड़ आए जाते रास्ते में जब डोलती है जीवन की नैया जब डोलती है जीवन की नैया कोई तो बन जाता है जीवैया कोई तो बन जाता है जीवैया कोई किनारे पे ही डूब जाता है आदमी मुसा सुनो ना हाँ सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ तो रोका किसने है हाँ रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं मुझसे तुमसे तो अच्छा बताओ फिर आकाशवाणी है ना मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है पर उससे मेरा क्या फायदा देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है मैं बताती हूँ नंबर नोट करो 870-001-4242 ओ 870-001-4242 लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम हम मिलने का मौसम आ गया नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम हम मिलने का मौसम आ गया
कन्नू कन्नू अरे बाबा जानू रोको न तुम मुझे जरा सुनो तो इस प्यार से प्यार से तेरा हाथ लगा लहरा गए सू मेरे अरे कुछ भी नजर आता ही नहीं मस्ती में मुझे तुझसे परे कांधे पे मेरी जुल्फ के ढलने का मौसम यानी 1977 की हिट फिल्मों की लिस्ट में एक बहुत ही सुंदर और वैसे तो मसाला मारधाड़ मूवीज़ की श्रृंखला में ना आने वाली एक फिल्म हिट रही और लोगों ने इस फिल्म को खूब चाहा खूब सराहा। उस फिल्म का नाम था दुल्हन वही जो पिया मन भाए। राजश्री प्रोडक्शन की ये फिल्म उन्हीं के अपने विशेष स्टाइल की फिल्म और अगर राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में आप देखेंगे तो बिल्कुल संजीदा अंदाज वाली बिल्कुल संवेदनाओं से एहसासों से सच्चे प्यार से भरपूर फिल्में और कुछ ऐसी ही ये भी एक फिल्म थी। और इस फिल्म को लेख टंडन ने डायरेक्ट किया था। ताराचंद बरजातिया का ये प्रोडक्शन था। मदनपुरी प्रेम किशन रामेश्वरी जैसे कलाकार इस फिल्म में थे और बस एक बहुत ही अमीर ज़्यादा होता है जो अपने दादाजी को खुश करने के लिए
एक लड़की को घर में लाना चाहता था जो उसकी पसंद है, लेकिन कुछ कारणवश वो लड़की तो नहीं आ पाती। तो अब दादाजी को खुश करने के लिए किसे लाया जाए, जो दादाजी अपनी बहू को देखने के लिए बहुत तरस रहे थे। तो एक गरीब सी गवारन सी लड़की को पेश किया जाता है दादाजी के सामने, जो फिर जो कथानक होता है हमेशा की तरह, जो कैसे अपने घर वालों का दिल जीतती है गरीब होने के बावजूद भी। लेकिन जब असली लड़की आ जाती है वो पर्दाफाश कर देती है, लेकिन दादाजी का मन तो वही गवारन सी गरीब सी उस कन्या पर ही है। और किस तरह से फिर हीरो इसको अपोज करता है, विरोध करता है कि नहीं मैं तो शादी करूंगा तो अपने प्रेम से, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो जो लड़की जिससे वो हीरो प्यार करता है, जो अमीरजादी है, वो अपने कैसे रंग ढंग दिखाती है, और फिर हीरो को रियलाइज होता है कि नहीं दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी, रविंद्र जैन का गीत संगीत जो हमेशा की तरह बिल्कुल सॉफ्ट अंदाज वाला, और यही लोगों को बहुत पसंद आया। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी थोड़ा सा प्रवाह के विपरीत जाकर भी जब कुछ ऐसी फिल्में बनती हैं तो लोग उसे सराखों पर बिठा ही लेते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। महफिल से कह दें तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए।
मुस्के सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। Thank you.
के रहना चंदा चकोरी बिजली कड़के आंधी आए बिजली कड़के आंधी आए तूफान से भी बुझ ना आकाशवाणी की डीटीएच प्रसारण सेवा पर आप सुन रहे हैं रेनबो रिवाइंड माया के साथ। एक बार फिर से सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार। फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें फिर वही रात है
सी नींद में जब कोई सपना चले ओ हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले ओ ये रात है रात है फिर वही रात है ख्वाब की के ख्वाब है आंखों में चुभ जाएंगे हो पलकों में लेना इन्हें आंखों में रुक जाएंगे ओ ये रात है ख्वाब की रात है फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही दोस्तों ज़िंदगी में कभी कभी कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो हमने जितना भी कमाया होता है वो पल में पराया कर देते हैं। वो एहसास ये होता है कि जो हम इतना सब कुछ समेट रहे हैं क्या ये सचमुच मेरा है। हालांकि ये सवाल सभी को नहीं आता। ये सवाल तभी आता है जब जिनके लिए हम ये सब करते हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर पराये से हो जाते हैं। तब ऐसे लगता है कि जिंदगी भर जितनी सारी जद्दोजहद हम करते हैं वो किस लिए। फिर ऐसे लगता है कि वो खालीपन का जो एक एक मोड़ एक एक पल सा आ जाता है वो कभी किसी के जीवन में ना आए। हालांकि ये खालीपन हमारे में जीवन में आना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम अपने आप को टटोल सकेंगे। लगा ले ऐ जिंदगी गले लगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले ऐ जिंदगी
हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी ऐ जिंदगी गले लगा ले ऐ जिंदगी गले लगा ले। हमने हर एक गम को गले से लगाया है ना ऐ जिंदगी गले लगा ले ऐ जिंदगी। छोटा सा साया था आंखों में आया था हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी ला हमको किनारा मिल गया है जिंदगी ऐ जिंदगी गले लगा ले ऐ जिंदगी गले लगा ले। ला 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 है ना ऐ जिंदगी गले लगा ले गले लगा ले गले लगा ले ओ गले लगा ले।
झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर जो आपके जीवन में, आपके दिल में, आपके बहुत करीब होते हैं।
थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा, जिनके लिए जीवन भर बहुत कुछ सब कुछ आप करते हैं और फिर एक बार पता चलता है कि नहीं, हम एक बार फिर से अकेले हैं। जिनके लिए हम इतना सब कुछ करते हैं वो कहीं ना कहीं बेगाने से हो जाते हैं। ये जो एक कसक है, ये जो एक चोट सी होती है, ये जो एक चुभन सी होती है, वो इंसान को एकदम खोखला सा बना देती हैं। एक खालीपन सा अचानक आपके जीवन में आ जाता है और तब पता चलता है कि हाँ, जीवन भर हम कितना कुछ करते हैं अपने अपनों के लिए, भर भर के करते हैं। भले ही हम कितना ही चोटिल हो जाए, कितना ही थक जाए और ऐसा लगता है कि नहीं, अब और नहीं होता, लेकिन जब अपने अपनों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं, हमें और करना चाहिए, और अपने अपनों को सुख देने के लिए करना चाहिए। फिर उसके बाद आने वाला ये खालीपन, इन दोनों में वैसे तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई दिखाने वाला ये जो अंतर है, ये सबके जीवन में कभी न कभी आता है और फिर सच्चाई पता चल जाती है। दिखाई खुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई खाई दिए यूं के बेखुद की।
बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर। 8700001-4242। Thank you.
कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे शाह की रात मेरा वो सामान
सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है, हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
ये खालीपन, ये कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होना, जिंदगी के ही ये सारे के सारे रास्ते होते हैं जो आपको कहीं ले जाने की कोशिश करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बलबूते पे सारी दुनिया को बांध के रख सकते हैं अपनेपन के उस एक एहसास की वजह से। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिनके लिए आप हैं वही आपकी ज़िंदगी बने। ज़िंदगी में और भी बहुत सारे रास्ते हैं अपनी खुशियाँ ढूंढने के लिए। थोड़ा कम ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं कोई कमियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ना और बस हमसे ही दुनिया को बनाना, ये वो एक शिद्दत भरा जीवन होता है जो जीते हैं जिनके पास कामयाबी होती है। एक बजकर 1:46 हो रहे हैं। दो बहुत खूबसूरत गीत आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। ठीक 2 सुरीला सफर लेकर रेहान जी हाजिर होंगे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी की डीटीएच सेवा पर बहुत सुरीले से ये कार्यक्रम। और अब माया को इजाजत, शुभ रात्रि। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये
ख्याल आया। तुम चले जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। जरूरत है।
कैसा होगा, वो दिन कैसा होगा। उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे, बोलो ऐसा से उड़ के घटा चली। सुन 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 कहाँ चली कहाँ चली, मैं छूने जरा छोटी